बड़वानी जिला मुख्यालय पर खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट के प्रत्याशी गोविंद मुजालदा की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब विरोध इतना बढ़ गया है कि कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ने लगे हैं। खरगोन बड़वानी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला मुख्यालय पर देर रात कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सहित प्रत्याशी गोविंद मुजालदा बैठक में चर्चा कर रहे थे। इसी दरमियान ही कुछ पदाधिकारियों ने चुनाव संचालक मंडल पर सवालिया निशान खड़े करते हुए आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर दिए। यही नहीं, प्रत्याशी डॉक्टर मुजालदा को भी यह कह डाला कि आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं और आप भाग्यशाली हैं कि आपको टिकट मिला, लेकिन आपको गुमराह किया जा रहा है। यहां भी चुनाव को लेकर प्रभारी नियुक्त कर दिए गए, लेकिन कई कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को इस बात की सूचना तक नहीं मिली। इन सब बातों को लेकर पार्टी दो गुटों में तीखी नोकझोंक होने लगी। इसमें अपशब्दों का भी प्रयोग कार्यकर्ता करते नजर आए। मामले को गरमाता देख प्रत्याशी डॉक्टर मुजालदा ने बीच बचाव करते हुए कार्यकर्ताओं का आश्वस्त किया कि सभी के द्वारा मिलकर जो निर्णय लिया जाएगा। हालांकि मीडिया से बातचीत करते हुए मुजालदा सिर्फ एक ही बात करते नजर आए कि सबको मना लिया जाएगा और चुनाव सब मिलकर लड़ेंगे और कांग्रेस को खरगोन लोकसभा से जीत भी दिलाएंगे। सामान्य बात है, ये परिवार में कोई बड़ी बात नहीं है। कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, क्या कहूँगा उसको लेकर, कैसे लोकसभा का सफर तय कर पाऊँ? नहीं, मैं अभी जितना घूम के आया हूँ ये यहाँ पे थोड़ा सा देखा है मामूली, इसके अलावा मैंने कहीं नहीं ऐसा मालूम पड़ा कि कोई विरोध व्यक्त कर रहा है। अच्छी कंडीशन ये खुद ही, अभी आपने देखा होगा यहाँ मीटिंग चल रही थी उसमें कि जोन बांट रहे हैं, जब जोन बांट लेंगे अपने आप दूर हो जाएगा सब मामला। जैसे अभी जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अपन ने देखा जी, आपके सामने भी बात उठ के आई, मीडिया बैठी, उसके बावजूद इतनी हार्ट अटैक होना, इस कदर की बातें निकल के आना कि अभी तक ये चापलूसी वाला काम चल रहा है, इसको किस नज़र से देखेंगे आप? मैंने बताया ना, थोड़ा चलता रहता है और कभी कभार तेज में भी आ जाते हैं, जवानी का भी वो रहता है, कभी कभार कोई दूसरे टेंशन भी यहाँ निकाल लेते हैं कोई, मैं उसको बहुत बड़ी बात नहीं मान रहा हूँ। जब यदि कार्य डिवीजन हो जाएगा, किसी भी काम का सही तरीका रहता है कार्य डिवीजन, कि ये काम ये देखेगा, वो काम वो देखेगा, तो अपने आप सब सॉल्व हो जाता है, इसलिए ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं मान रहा हूँ मैं इसको। मुजालदा जी, आपके बारे में ये कहा गया है कि आपको राजनीति का अनुभव नहीं है, ये कार्यकर्ता बोल रहे हैं आप? इसमें कोई ज़्यादा गलत भी नहीं बोल रहे हैं कुछ, जितना घाघ राजनीतिक रहते हैं उतना मैं नहीं हूँ, जैसे चाणक्य बोलते थे ना, उस कंडीशन का व्यक्ति नहीं हूँ मैं एक सामान्य व्यक्ति आया हूँ चिकित्सा सेवा करते हुए, तो मेरे में वो सरलता है और उस सरलता ही मेरी ताकत है, सब निभट जाएगा उसमें। इन स्थितियों के बाद आपको लगता है कि राह आसान है? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब ठीक हो जाएगा, हम कार्य विभाजन कर रहे हैं, उसमें कोई बड़ी समस्या थोड़ी ना है।